फाइनली आज जा रहे हैं हम लोग अपने लिए बाइक देखने के लिए R1 बाइक। हम लोग 22 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग अपना डेस्टिनेशन में आ चुके हैं एंड ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली आज जा रहे हैं हम लोग अपने लिए बाइक देखने के लिए R15 V3। तो अच्छे से बताते हैं आप लोगों की क्या सीन हुआ था। कल रात को हम ओएलएक्स पे ऐड देखे थे वो बंदा का, उसको हम रात को मैसेज किया था कि अपना नंबर देने के लिए, तो वो मेरे को मॉर्निंग में नंबर उसका आया, तो उससे हम बात बात किए। वो ऐड डाला था R15 V3 ब्लैक कलर का, उसका प्राइस डाला था 125,000 एंड वो बाइक है 2019 का, मतलब आज से 3 साल पुराना बाइक है। एंड जो मेरे को चाहिए था नंबर आसनसोल का गाड़ी, तो वो आसनसोल का ही गाड़ी है। तो उससे बात बात किए तो वो बोला कि वो यहाँ से अप्रोक्स 30 किलोमीटर दूर रहता है, तो वो बोला कि आप 15 आ जाओ, हम 15 आ जाते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस रहेगा। तो उससे बात बात कर लिए है, बोले कि भाई जो भी रहेगा कितना मैं देने का कितना नहीं प्राइसिंग वो आप देख लेना गाड़ी का कंडीशन, उसके बाद आप बात करना कि कैसा रहेगा। तो फिर हम भी बोले ठीक है भाई, प्राइसिंग बाद में करते हैं, पहले हम बाइक का कंडीशन देखेंगे। एंड फोटोज़ पे बिलीव नहीं होता भाई, फोटोज़ पे एक समझ में इसलिए, एंड दूर भी नहीं है 15 किलोमीटर से, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा। हम तो सोचे कि लंच करने के बाद में जाएंगे बाइक देखने के लिए कि क्या सीन है कैसा है, अगर बाइक पसंद होगा तो फिर बात करेंगे, अगर पसंद ही नहीं होगा तो फिर बेकार है ना फिर इस टॉपिक पर बात करना। सो भाई अभी बात एंड ऑल सब कंप्लीट हो चुका है एंड दोपहर को जाने वाले हैं लंच करने के बाद में बाइक देखने के लिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन होता है। अगर बाइक पसंद आ जाएगा तो हमारा भाई बाइक उठा लेगा, अगर नहीं आता तो फिर देखते हैं, क्योंकि क्या मालूम मार्केट में ब्लैक कलर का V3 है ही नहीं, है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। सो देखते हैं भाई साहब क्या होता है, क्या सीन रहता है, बस आप लोग प्रे करना कि सही सब कुछ सही हो जाए। सो अभी चलते फटाफट से ब्रेकफास्ट करने के लिए, मम्मी मेरे को ब्रेकफास्ट दे रही है अभी, तभी मेरे को ब्रेकफास्ट मिल चुका है। ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, रोटी के साथ में यहाँ पे चिकन का सब्जी है एंड यहाँ पे चाय है एंड साथ में 2 बॉयल्ड अंडे, 2 नहीं है, 1 का हाफ है। तो फटाफट से करते अभी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ऑल सब कंप्लीट हो चुका है एंड अभी घर का साफ सफाई चल रहा है, मम्मी पूरा घर अभी हम लोग का बेडशीट है ऑल सब चेंज कर दी। इसको देखो ये दिन भर बिना टी शर्ट का ही घूमता, क्या मालूम क्या मसला है इसको, टी शर्ट के साथ क्या दिक्कत है, देखो क्या दुश्मनी है देखो टी शर्ट के साथ में। आज जा रहे हैं बाइक लेने के लिए? हाँ। लेने नहीं, देखने जा रहे हैं। हम भी जाएंगे। हाँ? हम भी जाएंगे। नहीं, हम फ्रेंड के साथ में जाएंगे। आ मारता क्यों है? हाँ? देखो बताते हैं ऑफ द कैमरा, तुमको बताएंगे हम। फिर एडिट बनेगा। हाँ? फिर बनाएगा ना। एक बार इसको हम कैमरा में मार दिए थे तो इसका मीम बन गया था। सो वही अभी तो बात चल रहा है जाने का, अभी उससे एक बार और बात कर लेते हैं, लंच के बाद जाएंगे। एंड अभी बाहर का हमने क्या सीन हो रखा है कि पूरा बाहर पेड़ उग गया है, मतलब जंगल टाइप बन गया, तो वो सब अभी मम्मी बोले कि साफ कर सकते तो कर देना, तो अभी हम लोग चलेंगे वो साफ करने के लिए। एंड रूम वूम का भी पूरा बेडशीट चेंज हो चुका है, साफ सफाई हो ही रहा है घर में, पूरा घर साफ हो चुका है, इधर भी देखो सब रूम पूरा साफ लग रहा है। लोग बाहर आए, बाहर का माहौल कुछ देख सकते हैं, पूरा ये पत्ता होकर रखा हुआ है, ये पेड़ हम लोग कट गए थे बट इसमें वापस से ये आ गया है, ग्रीन नया आ गया। तुम ऐसे क्यों आया बाहर में? कुछ काट वाट देगा, कुछ पहन के आता, हम देखो जैसे सनग्लास पहन क्या है देख रहे हो ना। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा मोड़ा कट किया है एंड अभी ये सब बचा हुआ है, ये कट करना है, इसको साफ सफाई करना है पूरा, क्योंकि ये रूम यहाँ पे डिस्टर्ब करता है भाई, यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा आ जाएंगे, जंगली जानवर वनवर आ जाएंगे, समझ रहे हो ना, बहुत मसला हो जाएगा। इधर काटना, ये सब काटना, ये जो ग्रीन है नीचे, ऊपर वाला पेड़ काट, ऊपर वाला आराम से अंदर जाएगा, टांग लिए तो अंदर जाएगा, अंदर घुस जाएगा तो आराम से। अरे भाई आ जा, छोड़ दो, हम लोग बस का बात नहीं है, पापा को बोलेंगे कि बुलाने के लिए जो काम करता है वो लोग से करवा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल हो रखा है, हम लोग का बस में नहीं है सब चीज़ करना। हम लोग लंच निकल चुका तो फटाफट से करते हैं हम लोग अपना लंच। तो लंच कंप्लीट हो चुका, ब्रेकफास्ट बोलने वाले थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, क्या मालूम क्यों, मतलब कि क्या अंदर से हो रहा समझ में नहीं आ रहा। सो हम लोग का लंच कंप्लीट हो चुका है एंड अभी बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, बारिश भी हो रहा था बट आज कुछ भी हो, बारिश आए तूफान आए, बाइक तो देखने चलना है कैसे भी हो। सो फटाक से अभी रेडी होते हैं, अभी उससे बात भी हो गया था मेरा, तो हम उसको बोले कि हम लोग आ रहे हैं आप भी आइए, तो बोले ठीक है हम लोग आते हैं, उधर भी बारिश हो रहा था, तो हम बोले ठीक है आराम से आइए, कोई टेंशन नहीं है, पूरा दिन पूरा रात अपना है, आप आइए आराम से। एंड अभी हम फ्रेंड के साथ निकलेंगे तो फटाक से रेडी होते हैं निकलते हैं। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं एंड मिलने के लिए 2 सब्सक्राइबर आए हुए हैं भाई साहब, तीन लोग से मिल लेते हैं, ये देखो उसको उधर बुलाओ, उसको उधर बुलाओ, इतना शर्मा रहे हो, कहाँ से आए हो? बड़ाकर से ये लोग, बड़ाकर से स्पेशली मिलने आए कि कुछ काम से आए थे? स्पेशली मिलने आए। अरे भाई बड़ा वाले फैन हो क्या? और सब क्या नाम है तुम्हारा? जिसान। तुम्हारा? जिसान। दोनों नाम जिसान है, भाई नहीं। दोस्त हो? हाँ। सो भाई साहब मिल लिए, और बताओ और क्या हालचाल, वीडियोस
मस्त है भाई, अभी थोड़ा जा रहे बाहर कुछ काम से, वही रेडी हो रहे थे एंड सामने देख रहे हम ये लोग आके खड़े हैं एंड ये लोग वहाँ पे ग्राउंड पे खड़े थे, ये लोग सामने भी नहीं आ रहे थे कि सामने आके आए, क्यों सामने नहीं आ रहे थे भाई? पहली बार मिल रहे थे ना। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो अभी हमको थोड़ा बाहर जाना है इसलिए हम निकलेंगे, बारिश भी हो रहा है, तुम लोग भी घर चल जाओ, फंस जाओगे बेकार का। चलो कल भी मिलेगा, कल मिलेगा, कब कहाँ टाइम आ जाओ, कभी भी आ जाओ। चॉकलेट खाना है? नहीं, खाना है ला दे, हम क्योंकि सब्सक्राइबर लोग चॉकलेट ला के रखे हैं, अगर बोलोगे तो ला देंगे। इतना पूछ लिया आप, बहुत क्या बात कर रहे हो। चलो ठीक है ब्रो, क्योंकि मेरा लेट हो रहा है, कुछ काम है हमको, कल का व्लॉग में तुम लोग देखना, अगर आज बता देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है इंशाल्लाह जरूर आना, ठीक है ब्रो, बाय बाय। तो ये लोग से भी मिल लिया, फटाक से भी हम निकलते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, फ्रेंड आके खड़ा हुआ, उसको वेट नहीं कराना चाहता, हेलमेट ऑन ले चुके हैं अभी, फ्रेंड का मेरे घर पर रखा हुआ था तो ले लेते हैं। सलामकुम, अभी जाते हैं फ्रेंड के पास में, उसको उठाते फिर निकलते हैं। अभी आ चुके हैं फ्रेंड के पास, चल रहे अभी, मैकेनिक यही दोस्त है हम लोग का ग्रुप में, इसको बाइक का ज़्यादा नॉलेज है, तो बाइक देखेगा कैसा क्या है नहीं है। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अराउंड कितना 16 से 17 किलोमीटर तक का रास्ता है। फाइनली हम लोग 22 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग अपना डेस्टिनेशन में आ चुके हैं एंड ये रहा भाई साहब बाइक एंड ये इनके ओनर लालटू भाई। हेलो भैया, सो क्या रीज़न है आपको ये बाइक सेल करने का? कुछ नहीं, घर में पड़ा है। घर में पड़ा है, सेल कर देंगे। सेल करना है तो अभी आया अमन, अमन अभी टेस्ट ड्राइव करके लिया, क्या कुछ इशू, कुछ दिक्कत? सही है, लेने लायक है। सो अभी देख लेते भाई साहब कंडीशन, कुछ देख लो बाइक, और एक सेकंड दिखाते इधर से आते हैं, ये साइड से देखो भाई कंडीशन कुछ बाइक का सही है, हम भी टेस्ट ड्राइव लेकर देख लेते हैं, उसके बाद जो होता है फिर अपडेट देते हैं आप लोग। भाई साहब क्या मज़ेदार राइड आया भाई, बड़ा मज़ा आया भाई साहब, क्या बाइक है ब्रो, पिकअप है भाई, खतरनाक वाला पिकअप है, लिटरली 3 नंबर गियर में इसको हम 1 ही टच कर दिए अभी, मज़ा आया भाई साहब, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लिटरली पसंद आ गया बाइक, अब देखते हैं इसका क्या सीन होता है बात करके। सो यस फाइनली हम राइड भी लेके आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, गाड़ी में ऐसा कुछ इशू नहीं है, मतलब फर्स्ट क्लास है। अब जो मेन थिंग भैया, प्राइसिंग का क्या सीन रहेगा? हाँ वही बोल दिया, प्राइसिंग का क्या सीन रहेगा बताइए, थोड़ा अपने मुंह से बताइए। बोला तो कितना बताया था, 110 बोल रहे भाई साहब, लेकिन बात करते हैं, हाँ बहुत कम है, कम नहीं है। समझ रहे, तो ये बात करते हैं भाई। सो अभी हम लोग बाइक के साथ निकल रहे हैं, सो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे एक गैरेज है, गैरेज पे जाके देखते हैं बाइक का, क्योंकि हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है, भाई से बात हुआ तो वो बोला कि जाओ गैरेज में दिखा दो बाइक, वो जब सब ओके हो जाएगा थोड़ा पेपर वर्क देख लेते हैं उसके बाद डन कर देंगे। तो भाई साहब अभी हम लोग है घुमानी में, ये मतलब हम लाइफ में अपनी पहली बार आ रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम कहाँ पे कहाँ जा रहे नहीं जा रहे, बस जा रहे हैं, कॉल में बात हो चुका है, लोकेशन मालूम है कि यहाँ चलना है, तो वहीं पे चल रहे हैं एंड देखते हैं कि वहाँ जाके क्या सीन होता है एंड देखो क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, समझ रहे हो ना भाई। सभी चल रहे हैं एंड लिटरली बारिश हो रहा है भाई साहब, बारिश भीग चुका मेरा पूरा ट्राउजर भीग चुका है। तभी हम लोग का बाइक का बात सब कंप्लीट हो चुका है एंड रात हो चुका है भाई साहब, देख सकते हो एंड बारिश भी हो रहा है वहाँ पे, बाइक है एंड हम सारा केस घर जाके बताते हैं आप लोग को, अभी हमको भींग के जाना है, तीसरी लेके भैया चले गए हैं एंड अभी हम लोग निकलेंगे। चल अमन यहाँ से हम लोग को लिटरली बता देते हैं, मैप दिखा भाई कितना किलोमीटर जाना है हम लोग को यहाँ पे, 26 किलोमीटर अभी हम लोग घर जाना है भाई साहब, फ्यूलअप भी करा के आए थे, फ्यूलअप भी ख़त्म हो चुका है, फ्यूल भी ख़त्म हो चुका है, अब उसको फिर से फ्यूलअप कराना पड़ेगा अभी एंड देखो क्या होता है, बारिश भी हो ही रहा है, भीग के जाना पड़ेगा बट क्या कर सकते हैं, एंड हम लोग का बात हो चुका, घर जाके बताते हैं कि क्या सीन हुआ इसके। अभी रुके हम लोग गर्मा गर्म समोसा खाने के लिए भाई साहब, देख सकते हैं एंड यहाँ पर जो भी हम लोग को खाना है क्योंकि लगा है बहुत जोर वाला भूख, कहाँ गया मन, किधर इधर अभी अभी यहाँ से कुछ खाते उसके बाद निकलेंगे घर, हम लोग खा चुके हैं निकल रहे अब यहाँ से घर के लिए, अब सीधा यहाँ से घर जाना है भाई साहब, हम लोग यहाँ पे ज़िंदगी में पहली बार आया है। कुछ ज़्यादा पता नहीं है, किसी को नहीं जानते लिटरली, इसलिए इतना आराम से ब्लॉग करो, कोई टेंशन नहीं, कोई जानते ही नहीं है, चल आराम से। यहाँ से हम लोग और 18 किलोमीटर जाना है भाई साहब, देख सकते हो
रोड चेक करें भाई, रोड इतना मस्त रोड हो रखा है भाई साहब। ये ब्लर ब्लर क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, बारिश हो रहा है इसलिए। फर्स्ट फाइनली अभी घर आ चुके हैं, अमन को भी ड्रॉप कर दिया है एंड लिटरली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले सब रखते हैं, फ्रेश एंड ऑल होते हैं, चेंज करते हैं क्योंकि कपड़ा लिटरली पूरा भीग चुका है। लिटरली कितना लिटरली आ रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलते हैं अभी घर एंड चेंज एंड ऑल करते हैं। अभी पता है क्या कर रहे थे, अभी पूरा हेयर ड्राई किए हम हेयर ड्रायर से, क्योंकि हेयर पूरा गीला था। हेयर तो है नहीं बट सुखाना पड़ेगा। मम्मी से अभी लेंगे हम गर्मा गर्म चाय। चाय बना दिए, चाय यहाँ पे निकला जा रहा है गर्मा गर्म, देख सकते धुआं एंड काफ़ी ज़्यादा ठंडा वेदर है। बाइक का डील फिक्स हो गया इंशाल्लाह। चाय पीते, मम्मी लेके आ रही है चाय, उसके बाद आप लोग से कुछ बात करते, बताते फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, फिर सारा बात आप लोग को बताते हैं। तभी चाय एंड ऑल सब पी लिया एंड शांति से बैठे हुए एंड बताते कि क्या हुआ। तब बाइक हम लोग को पसंद आ चुका है, मतलब बाइक का कंडीशन अच्छा है, अच्छा है बाइक, अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत सही कंडीशन में एंड ज़्यादा चला हुआ भी नहीं है। बाइक 3 साल का बाइक है बट लिटरली वो बहुत अच्छा कंडीशन में रखा हुआ है। एंड सिर्फ वो मतलब वो जॉब वाला इंसान था तो बस वो अपना जॉब करता था एंड आके कभी कदर यूज़ करता था एक्स्ट्रा बाइक में, इसका शौक था तो ये लिया था, ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा इसको रफ यूज़ किया। तो मतलब वही मतलब कंडीशन बहुत अच्छा है बाइक का एंड प्राइसिंग तो 110 का रहा, वो 110 से नीचे नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा कर देता तो सही रहता। बाकी बस देखते हैं, पापा को बताते हैं ऐसा ऐसा है, फिर कल संडे है, अगर लेना भी होगा तो हम लोग कल नहीं ले पाएंगे, अगर लेना होगा तो फिर उन लोगों को परसों लेना पड़ेगा क्योंकि कल कोर्ट बंद रहेगा, परसों कोर्ट खुला रहेगा, मंडे है। सो अभी बात कर लेते हैं घर में एंड एक बार और कंफर्मेशन जैसा होता है आप लोगों को बता देंगे। अगर कंफर्म हो जाता है तो फिर या तो आज नहीं कल बाद परसों, एकदम फिक्स परसों बाइक आ जाएगा हम लोग के पास में भाई साहब। सो बस देखो क्या होता है, अभी तो हम खुश भी एक्साइटेड भी है एंड सोच भी रहे भाई साहब 1 लाख रुपये लगेगा, 1 लाख माय गॉड 1 लाख के प्लस जाएगा, 110 पड़ जाएगा ऊपर से, उसके बाद उसमें फिर नेम चेंज में और पैसा लगेगा, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट देखो क्या हो रहा है, लेट लेट अपना ब्लॉग एडिट कर लिए क्योंकि सबसे बड़ा इशू ब्लॉग एडिट का होता है एंड अब रात को आराम से सो जाएंगे, सो इसलिए फटाफट से ब्लॉग एडिट कर लिया एंड जितना रेस्ट पार्ट रहेगा इसको ऐड करके एक बस कंप्लीट एंड थोड़े दिन में करेंगे हम लोग अपना डिनर। एंड जो था बाइक का वो आप लोग अपकमिंग ब्लॉग से मालूम चल जाएगा कि क्या होता है, सरप्राइज रहेगा आप लोग के लिए भाई, आप समझो बात को समझो। सभी हम लोग का डिनर सब कंप्लीट हो चुका है, करते हैं इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड। होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय एंड एक और चीज स्टे ट्यून्ड फॉर द सरप्राइज।